हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज हमने सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी है और उनसे मांग की है एक नई फोरेंसिक टीम की गठन की जाए, जो कि इंडिया के जो बेस्ट फोरेंसिक डॉक्टर्स हैं उनके डॉक्टर टीवी चैनल पे आकर के बताते हैं कि क्या उनका फाइंडिंग है, जबकि कोई रिपोर्ट अभी तक जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। हमने बहुत कोशिश की कि उनसे रिपोर्ट की कॉपी हमको मिले, जिसमें कि हम एक स्पष्ट रूप से कह सके कि क्या इस रिपोर्ट में क्या त्रुटियां हैं, क्या गलतियां हैं। वो रिपोर्ट भी देने को तैयार नहीं है, पब्लिक डोमेन में आज तक रिपोर्ट नहीं दिया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ही मेरे को बहुत पहले कहा था, ये एक्चुअली मेरे पास आए थे एक साल पहले, हमारे बड़े अच्छे दोस्त अमरेंद्र शरण की डेथ हुई थी और सीनियर एडवोकेट थे, सीनियर एनसीपी लीडर भी थे अमरेंद्र जी, और इनका केस ये करते थे और इनके अमरेंद्र शरण के वजह से ही ये आज इस कुर्सी पे बने हुए हैं। तो जब उनकी देहांत हुई तो मेरे पास आए, कहे कि अब आप अमरेंद्र शरण आपकी बड़ी इज्जत करते थे, आगे से आप मेरा केस करेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ वो बात करते थे, हमेशा डिस्कस करते थे, इस केस को बड़े डिटेल में डिस्कस किया उन्होंने मेरे से। और जब मैंने उनको फोटोग्राफ भेजा तो फोटोग्राफ देख करके स्ट्रेट अवे कहना कि 200% ये स्ट्रैंगुलेशन का केस है और इसमें कोई कह ही नहीं सकता कि ये सुइसाइड का केस है। तो कोई इतना सीनियर डॉक्टर एक फोटोग्राफ देख के अगर इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट अगर कर रहा है, तो इसी से पता चलता है कि इस तरह के रिपोर्ट की क्या अहमियत हो सकती है। अगर ऐसी उनको रिपोर्ट, अगर उनके हिसाब से ऐसी रिपोर्ट बन सकती थी, तो इस तरह से उनको लूज कमेंट 200% स्ट्रैंगुलेशन का केस बोलने का कोई हक नहीं था। मेरा ये मानना है कि एम्स के पास सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी नहीं थी, उनको ये ओकेजन नहीं था कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट करें या कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग दें। उनको एक सिर्फ ओपिनियन देना था कि जो काम कूपर हॉस्पिटल ने किया वो सही है और कूपर हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है उस रिकॉर्ड के बेसिस पे क्या ये कहा जा सकता है सर्टेनिटी से कि ये डेथ बाय हैंगिंग है या डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, इसमें सुसाइड का पॉसिबिलिटी है या इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर है। सुइसाइड होगा कि नहीं होगा ये इनके दायरे में नहीं आता है, क्योंकि सुइसाइड होगा कि नहीं होगा ये पुलिस का काम है डिसाइड करना। आदमी का डेथ बाय हैंगिंग भी अगर हो तो उसमें भी जरूरी नहीं कि वो सुइसाइड हो। अगर किसी को बेहोश करके और उसको हैंग कर दिया जाए तो वो डेथ बाय हैंगिंग ही पता चलेगा। जिस तरह से उन्होंने शुरू में टीवी चैनल पे आकर के कमेंट किया कि कूपर हॉस्पिटल ने ये गलती की वो गलती की, कोई बॉडी का कोई एग्जामिनेशन नहीं किया गया, बॉडी में कोई फ्रैक्चर है कि उसके बारे में कोई जिक्र नहीं आया, विसेरा सफिशिएंट नहीं था सुशांत सिंह राजपूत का, इतने इनसफिशिएंट विसेरा में क्या इन्होंने जांच, और जो इनके पास आया था विसेरा वो भी बता रहे थे बहुत सूखा हुआ था, उसको उसमें से कुछ रिकवर करना बहुत मुश्किल था। बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि जो ये गर्दन में निशान है ये उस जो कपड़े से दिखाया गया हैंगिंग उस कपड़े से ये हो ही नहीं सकता। तो इन सब के बावजूद एक तो इनका टीम का साइट पे जाना, इनको साइट से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ जो रिपोर्ट कूपर हॉस्पिटल ने बनाई थी, जो उनके कागजात थे, जो उनके रिपोर्ट, जो उनके भी फाइंडिंग्स थे, उस फाइंडिंग पे इनको कमेंट करना था। ये जाकर के वहां साइट पे देख रहे हैं, ये सब काम सीबीआई का है, ये सब काम सीबीआई को तय करना है कि साइट पे क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सीबीआई मुंबई पुलिस की जगह पे आज के दिन काम कर रही है। मुंबई पुलिस ने इसका इंक्वेस्ट का काम किया था, सीबीआई को अब जब एफआईआर दर्ज है उस एफआईआर के बेसिस में जो इन्वेस्टिगेशन करना है तो साइट पे जाकर के देखना उनका काम है, इनका सिर्फ मेडिको लीगल एविडेंस देना था। तो इसमें ये बहुत पूरी तरह से चूक गए हैं, जिस तरह से उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, जिस तरह से इनका कंडक्ट रहा है, जिस तरह से इनका लूज स्टेटमेंट रहा है इनका, जिस तरह से इनके टीम के मेंबर मीडिया के सामने आकर के कमेंट करते रहे हैं, इससे बड़ा क्लियर स्पष्ट होता है कि ये बहुत ही इन्होंने लापरवाही की है, बहुत ही गैर जिम्मेदारा काम किया है और सीबीआई को इनके कंडक्ट को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इस तरह से इन्होंने ऐसे गैर जिम्मेदारा तरीके से इस तरह का रिपोर्ट किस तरह से बना दिया और ऐसे ऐसे लीक करके मीडिया में जाकर के बोलना, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी रेगुलेशन के खिलाफ है, एथिकल रेगुलेशन है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसके भी खिलाफ है। तो ये इसीलिए हमने कहा है कि एक दोबारा इसमें जल्दी से जल्दी एक टीम गठित की जाए,
जिस टीम के द्वारा इसका एक ओपिनियन दोबारा से लिया जाए और उसके बाद इस ओपिनियन के बेसिस में इस मामले में जब ट्रायल जब भी होगा उस ओपिनियन के बेसिस पे ही ट्रायल हो। अगर एक सीनियर आदमी है, आज आप मेरे पास एक केस लाइए, मेरे को कुछ केस ना बताइए और मैं आपको बोल दूंगी तो 200% मैं इसको फांसी दिलवा दूंगा या इसको फांसी से बचा दूंगा, तो ये तो मेरी बड़ी गैर जिम्मेदारी बात होगी ना। अगर मैं ऐसा बोलता हूं बिना कागज देखे, बिना एविडेंस देखे अगर मैं किसी को बोल दूं तो मेरे तरफ से तो गैर जिम्मेदारा बिल्कुल होगा। इसलिए अगर डॉक्टर, ये तो उनका उनके जुरिसडिक्शन का है। आज मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट का एक ओपिनियन सुना, बड़े फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश, उन्होंने अपने ओपिनियन में कहा है कि ये लाइन जो मार्क जो इस गर्दन में है, जो मीडिया ने दिखाया है, जो उसके बहन के खुद का खींचा हुआ है, ये मार्क उस कपड़े से हो ही नहीं सकता। वो चैलेंज दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मार्क्स, ये डेफिनेटली स्ट्रैंगुलेशन का मार्क है, ये हैंगिंग। सो एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी अगर इतने दावे के साथ कह रहे हैं तो शायद इनका भी कहना उस समय शायद लाजमी था। इसलिए अगर आप ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते तो आपको ऐसा लूज कमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए रिपोर्ट पे ही भरोसा करेंगे, लेकिन ऐसे आदमी और ऐसे टीम के रिपोर्ट को कैसे भरोसा किया जाए जो इस तरह से फ्लप फ्लप कर रहा है। कितने चैनल में आकर के उसने कहा है, डॉक्टर गुप्ता चैनल्स में आकर के कूपर हॉस्पिटल के बारे में निंदा कर रहे थे कि ये कमियां हुई है, इस तरह से गलत की है, वो गलती की है, और बार बार ये करने के बाद इस तरह का रिपोर्ट बनाना, वो भी सीधे कह देना कि सुइसाइड है। सुइसाइड कैसे वो बोल सकते हैं, वो डेथ बाय हैंगिंग बोल सकते हैं। सुइसाइड बोल देना मतलब कि वो वर्चुअली सीबीआई का काम भी अपने ऊपर, अपने दायरे में मान रहे हैं कि सीबीआई जो काम करेगा वो भी हम ही कर देंगे इस केस में, और वही सोच रहे हैं कि सारा वो फाइनल वही हो जाएंगे और उसके बेसिस में। तो ये एक तरह से एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ है, और यही परिवार का मांग है कि इस तरह के केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन होने के लिए एक टीम जो है गठन की जाए, जो कि रेप्यूटेड फॉरेंसिक लोग हों पूरे कंट्री के, और उनके टीम से जल्दी एक रिपोर्ट, हमारी मांग है कि सीबीआई द्वारा देंगे। जांच में इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है, हमारा निष्पक्ष जांच हमारा अधिकार है, मूल अधिकार है, और हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए जो जो हमको स्टेप लेना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे इस निष्पक्ष जांच के लिए और एक प्रॉपर फॉरेंसिक टीम के गठन करने के लिए। इसलिए इसमें सीबीआई तो एक पहला कदम है हमारे तरफ से। अगर सीबीआई के पहले इस कदम पे अगर सीबीआई अगर इसमें एक्शन नहीं लेती है तो हम कोर्ट में भी जाएंगे इसको लेकर के। इस बात को मैं कई बार पहले बोल चुका हूं, जिस समय हमारे पास जो समय इंफॉर्मेशन था, पिठानी को हम उनका सुशांत का दोस्त समझते थे, पिठानी ने उस कमरे को खोला था और हम लोग को ये, और पिठानी हमारे से मदद कर रहा था, रिया के खिलाफ भी बोलता था, तो हमने कभी ये सोचा नहीं, परिवार वालों ने, परिवार का कोई वहाँ पे था नहीं तो सोचा नहीं। लेकिन जब पिठानी ने पलटी खाई बाद में, जिस तरह से उसने रिया को मदद की और उसको एक ईमेल दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट में रिया ने इस्तेमाल किया, तब से हमको पिठानी पे जब डाउट है। और अगर पिठानी गलत है तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस कमरे में कोई ना तो उस कमरे का ना तो चाबी मिला, उस कमरे में जाने का एक बालकनी से भी रास्ता था, तो इसलिए जो कमरा सिक्योर ही नहीं है, उस कमरे में जो आदमी की मौत हुई है, जिस तरह से उसको लटका पाया गया है, उस कमरे में रहने से उसका कोई कंक्लूसिव ओपिनियन नहीं हो सकता कि ये सुइसाइड था, जो कमरा बिल्कुल सिक्योर सील नहीं था। और जहां तक रही बात आज के रिया के बेल की, तो आज का जो बेल है रिया का, ये नारकोटिक्स कंट्रोल के केस का बेल है। इससे बहुत बड़ा केस है कि रिया ने सुशांत को नारकोटिक्स उनके बिना मर्जी के दिया, या अगर उनके मर्जी से भी दिया तो क्या उन्होंने डॉक्टरों को बताया, जिन 5 बड़े बड़े डॉक्टरों के पास वो ले जाती थी सुशांत को दिखाने, मानसिक उनके कंडीशन के लिए, उनको क्या उन्होंने डॉक्टरों को बताया था कि सुशांत इस तरह का ड्रग्स ले रहे हैं जो रिया उनको ला करके दे रही है। इसलिए जो आज नारकोटिक्स का केस है वो तो बहुत छोटा केस है उनके लिए, उसमें बेल मिलने में कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ा केस है वो ये केस होगा कि उन्होंने ड्रग्स दिया सुशांत को, और उस ड्रग्स का अगर स्वेच्छा से भी दिया या बिना अगर मर्जी के दिया, उसका जो सुशांत पे असर हुआ और उसके मौत का उससे क्या क्या उसका लिंक है, वो बहुत बड़ा केस है। देखिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैं जरूर बता रहा हूं कि अभी हमारा सीबीआई को चिट्ठी लिखना एक फर्स्ट स्टेप है, उसके आगे क्या क्या कदम हमको उठाने की जरूरत पड़ेगी वो हम सब उठाएंगे, लेकिन इस मामले के तह तक हम जरूर जाएंगे, इस मामले को किसी तरह से, इस मामले की सच्चाई तक हम पहुंचने में कोई कदम नहीं छोड़ेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।